और देहरादून से जहां पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस भवन में दावेदार नेताओं से बातचीत की। उन्होंने उत्तरकाशी जिले की 3 विधानसभा पुरुला, यमुनोत्री और गंगोत्री सीट के दावेदार नेताओं से रायशुमारी की और टिहरी जिले के प्रतापनगर, टिहरी और धनोल्टी के दावेदार नेताओं से बातचीत की। उसके बाद उन्होंने देहरादून जिले की चक्राता, विकासनगर, सहसपुर, कैंट, मसूरी, राजपुर, राजपुर, धर्मपुर और डोईवाला विधानसभा के दावेदारों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बातचीत करने के बाद पैनल तैयार किया जाएगा। चौदह नंबर सीट जो धनोल्टी है वहाँ से दावेदारी कर रहा हूँ। आज यहाँ पर देहरादून में स्क्रीनिंग कमेटी जो आई है, तो मैंने अपना दावा स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष पेश करके पिछले जो 40 सालों में मैंने कांग्रेस की सेवा की और उसके अलावा इस विधानसभा चुनाव के लिए पिछले 2-2.5 साल से जो मैं क्षेत्र में तैयारी कर रहा हूँ, मैंने उसके बारे में कमेटी के चेयरमैन माननीय अविनाश पांडे जी और मेंबर श्री वीरेंद्र राठौर जी को, प्रियंका गांधी जी ने 40% यूपी में डिक्लेयर किया है कि महिलाओं को देना चाहिए, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में तो महिलाओं की देन है, उत्तराखंड की तो महिला बहुत सक्षम है, तो जिस सीट पे योग्य महिला है, जो सीट निभा सकती है, उस सीट पे महिलाओं को देना चाहिए, पार्टी को देना चाहिए। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व इस पर गहनता से विचार करेगी और महिलाओं को इस बार ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उम्मीदवार हूँ और मैंने अपना पर्चा भर दिया था, अब से आज स्क्रीन कमेटी में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और मैंने जो है अपनी जो मैंने उपलब्धियाँ थी, चाहे वो विद्यार्थी जीवन से लेकर इस समय जो एक कैंडिडेट के हिसाब से मुझे जो क्षेत्र में काम करने का वो मैंने उनको बताया, चाहे वो सड़कें हों, चाहे विद्यालय की मान्यता हो, चाहे आपके जो पदों का सृजन हो। यूपी जो है वो बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ पे यहाँ पे हमारे 70 विधानसभा है और 70 विधानसभाओं में हम ये देखो जो जाएगी हम उतना ही महिलाएं अपनी वो करें कि हम ये नहीं कहेंगे 70 विधानसभा में दे दे या हमें 40 विधानसभा में दे दे, वो हमारा ये है कि 30% भी अगर वो यहाँ पर देते हैं तो महिलाओं को कहीं ना कहीं हमारे शीर्ष नेतृत्व दे तो महिलाओं का आवेदन।